हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल तो ये मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ आईटीसी मास्टर शेफ का आई थिंक ये वेजी पिज्जा पॉकेट तो आप अगर मैकडी से अगर आप पिज्जा पिज्जा वाला एक आता था पार्सल आई थिंक बहुत दिन पहले मैं खराब तो मैं छोड़ दिया है मैकडी खाना तो वहाँ उसका टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो ये पिज्जा पार्सल टाइप का छोटा छोटा वेजीज है इसमें तो सेम वही टेस्ट है आपको जो इसमें मिलेगा और मेरे को ऐसा लगता है इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना ये एक्चुअली इसको फ्रीजर में रखना था लेकिन मैंने ना बाई मिस्टेक इसको बाहर ही रख दिया था और ये थोड़े चिपक भी गए थे और इसमें से थोड़े जो सॉसेस थे या फिर जो भी चीज था वो बाहर निकल रहा था लेकिन मुझे लगा जिस टाइम मैं बना रही होंगी ना पक्का फट जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा इट्स अ वेरी वेरी गुड आइटम अगर आपका आग मन है आप पार्सल्स खाते हैं मैग्डी का तो डेफिनेटली आप इसे घर में फ्राई कर सकते हैं आपको इसको शैलो फ्राई करना है हाई फ्लेम पे नहीं करना है लो फ्लेम पे ही करना है तो मुझे अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यह बहुत ही यमी है अगर आपको पार्सल स्पर्सल ले सकते हैं और क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि बाई मिस्टेक अगर आपने जैसे बाहर छोड़े है, तो भी बहुत अच्छी इसमें आपको फीलिंग अंदर मिल जाएगी दिखा सकती हो और इतना बढ़िया था ना सो तो अगर कोई जिसको भी लेने का मन है मेरे तो उसे थम्स अप पर आप देख सकते हैं जो फट गए थे ना उनको मैंने अलग अलग इसलिए भी करा था मैं सोचिए फटेंगे तो एक साथ फट जाएंगे खराब हो जाएंगे लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब भी पूरे बन के निकले ना मैं आपको दिखाती हूँ हाई ये वाला पार्सल मेरा बिल्कुल ही देख सकते हैं फट गया था और मुझे लगा था ना अब ये नहीं बनने वाला इसलिए ये दो जो फट गए थे बिल्कुल बाहर थे बिकॉज फ्रीजर में रखना चाहिए था एक्चुअली मुझे और मैंने बायमिस्टेक बाहर रख दिया था लेकिन जब ये बन के निकले ना इसके बाद वो इतने बढ़िया निकले थे मुझे लगा खराब हो जाएंगे लेकिन जितने भी इसमें नंबर्स ऑफ आइटम आए थे बिल्कुल एज इट इज सेम थे सो so मेरे तरफ से थम्स अप है डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं थैंक यू सो मच इनकी पर बाय